वैसा गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार और बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, पर लेकिन एक बार अगर मन से हार गए ना कि यार ये काम हमसे होगा या नहीं, यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में, उस तरीके की टेंडेंसी आप लोगों के अंदर आ गई कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, तो फिर जिंदगी में आप लोग कभी भी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा अपने मन को ऐसा रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत लाइफ में, कैसे भी टेंशन क्यों ना आ जाए यार, इससे तो जरूर निकल जाएंगे। यानी कि अपने आप को ना थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स देकर रखो हमेशा। आप लोगों ने कभी ना कभी तो लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अचीव किया होगा ना यार, कभी ना कभी तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा किया होगा ना जहां से आप लोगों ने मोटिवेशन फील किया हो, लोगों ने आप लोगों की बड़ाई की हो, घर वालों ने आप लोगों को अप्रिशिएट किया हो। वही मोमेंट याद करो, आप वही इंसान हो, बस थोड़ा सा एप्रिसिएशन की जरूरत है, आप लोग कोई भी काम करके निकल जाओगे। पर लेकिन होता क्या है, होता यह है कि आप लोग हमेशा नेगेटिव चीज देखते रहते हो, यार ये काम किया था वो भी नहीं हुआ, ये कर रहे थे वो भी नहीं हुआ, यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने सारे अनसक्सेस एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोग जो है अटेम्प्ट करते हैं और एक तरीके से अनसक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद भी फिर वो अटेम्प्ट करते रहते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को लगाए रखना है, अपने आप को बहलाकर फुसलाकर लगाए रखना है। अपने आप को भी बेवकूफ बनाना होता है कई बार कि नहीं यार थोड़ा सा और कर ले, कोई नहीं थोड़ी सी तो चीजें, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब मॉर्निंग में रनिंग करता हूं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कि दौड़ लिया, मान लीजिए तीन चक्कर लिया ठीक है, तो फिर लगता है कि चलो यार कोई नहीं आधा और कर लेते हैं, और जैसे ही आधा कंप्लीट होता है मैंने कहा आधा ही तो बचा हुआ है, आधा और कर लेते हैं। तो इस तरीके से जिंदगी को जीना देखो, कितना मजा आएगा और चीजें आप लोगों के हिसाब से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा अपने आप को पुश करना सीखो और जिंदगी आप लोगों की सही डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। काफी शानदार, काफी प्यारा आज का डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, काफी डिटेल में कई सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो वही बात जो कि ओलंपिक के बारे में, अभी कोई नया मेडल और ऐड नहीं हुआ है, यही पुराना हमारा मेडल है, यानी कि कल कोई मेडल ऐड नहीं हुआ है। इवन कल जो हम लोगों को लग रहा था कि एक और गोल्ड हमारे पास में आना है, वो भी अब ब्रॉन्ज की कैटेगरी में सिमट कर रह गए, यानी कि देखते हैं कि क्या कोई गोल्ड आ पाता है अभी हम आज कब आ पाता है, क्या मतलब है, बेसिकली आज जो है मतलब 7 तारीख हो गई है और 8 तारीख यानी कि जो कल होगा वो लास्ट डे होगा यहाँ पर ओलंपिक का, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हमारी रहने वाली है। अभी इसी के साथ में अगर बात करें तो चाइना टॉप पर बैठा हुआ है, इसी के साथ में यूएसए सेकंड नंबर पर, जापान जो है तीसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर और इंडिया है यहाँ पर 65वें नंबर पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जो हम लोग 65वें नंबर पर है तो इसमें क्या क्या है, हमारे पास में 2 सिल्वर है, एक तो मीराबाई चानू, दूसरा है रवि कुमार दहिया, और इसी के साथ में 3 हमारे पास में ब्रॉन्ज मेडल है, पीवी सिंधु लवलीना, और इसी के साथ में जो इंडियन मैन हॉकी के द्वारा जो मेडल जीता गया था, तो ये हमारे पास में फिलहाल अभी मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो आप लोगों को माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो आप लोगों की कल वाली वीडियो आई थी यहाँ पर नैनो मैगजीन, वो थोड़ी टर्मिनेट हो गई थी, तो उसके चलते आप लोगों का एक दो आर्टिकल जो बचा हुआ है वो मैं आज कवर कर लूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वो बेसिकली कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं इसको आगे कवर कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है जब रात में वीडियो आती है ना, तो इतना टाइम नहीं बचता है, अगर रात की वीडियो फिर से रिकॉर्ड करने बैठूंगा उसमें फिर से चीजें करूंगा तो फिर अगला दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि कोई नहीं इसको फिर आगे कवर कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना, जो भी आप लोगों का पोर्शन बचा होगा वो मैं यहां पर कवर कर लूंगा जो आज की आप लोगों की नैनो मैगजीन आएगी। ठीक है, रिविजन की वीडियो में आनी है अब की बार आप लोगों की, उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा जो रिविजन की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी जो पैटर्न चल रहा है वो तो आप लोगों का चलता ही रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आइए एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने, क्योंकि अगर ओवरव्यू माइंड में रहेगा तो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एडिटोरियल को बहुत अच्छे से फोकस देकर आप लोगों को चलने कोशिश किया करो कि आप लोग इतनी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि इंटरव्यू आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बच्चा बोला था कि सर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में आप लोगों ने बोला था, एक बार फिर से समझा देना, तो आपकी विश पूरी हो गई। ठीक है, उन्हें जो हुक्म हो मेरे आका, तो ये विश आप लोगों की पूरी हो गई, तो आर्टिकल आया शानदार तरीके से, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, सारी आगे पीछे ऊपर नीचे की सारी बातें जानेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, क्या फिर से हम लोग को जो स्कूल खोलने जा रहे हैं तो बच्चों को फिर से स्कूल में लेकर आना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। वैसे तो पता ही है कोविड-19 के चलते क्या क्या स्टेप हम लोग को उठाने चाहिए, पर फिर भी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा इसके बारे में, अगर कुछ लिखने के लिए आए तो क्या क्या डायमेंशन आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो जानेंगे इसके बारे में। एक प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं कि साउथ एशिया जो है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और हो भी रही है, तो हमारी कंट्री में कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और बाकी
ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्री ऐसी जहां पर कितने लोग इंटरनेट यूज करें, तो आसपास वाले एरिया का भी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। तो पर्सनली अच्छा आर्टिकल लगा, इसके बारे में भी कुछ कई सारी चीजें हम लोग समझेंगे। पड़ोसी देशों के बारे में भी कुछ बातें यहां पर कर रहे हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। केरला के अंदर कोविड-19 के केस क्यों बढ़ रहे हैं, तो लापरवाही देखने को मिल रही है काफी ज्यादा, तो उसी का एक एनालिसिस यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो है सैटरडे, सब सैटरडे को ये इस तरीके के आर्टिकल आते हैं तो नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकल इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहती है, कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर केरला से आप लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप लोगों को पता भी होगा न्यूज में कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए कोविड 19 जो है वो अभी गया नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही नंबर ऑफ केसेस कम आने स्टार्ट हो जाते हैं लापरवाही बरतना स्टार्ट कर देते हैं। तो मास्क लगाए रखना है, डिस्टेंस बनाकर रखनी है और सैनिटाइजेशन, तो ये तीन चीजें तो अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, चाहे कोविड रहे चाहे ना रहे, आगे भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी, तो इससे आप लोगों को हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखनी है, ठीक है। इससे कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाओ, क्योंकि अभी जिस तरीके से नेचर के साथ में हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे वायरस आगे भी आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे, ऐसी हरकतें आगे भी आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित करना सीख लीजिए। अब ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है बेसिकली हमारी कंट्री में हॉकी के बारे में। अभी आप लोगों को बताया हॉकी इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस रही, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को मैं यहां पर बता देता हूं। हॉकी जो इंडिया है, जिसको आज के में आप लोग हॉकी इंडिया बोलते थे, तो 1925 से लेके 2008 तक का इसको बेसिकली इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, अब इसे हॉकी इंडिया के नाम से जानते हैं 2008 से लेके अब तक का। अगर बात करें यहां पर निकनेम मैन इन ब्लू या फिर भारत आर्मी भी कई बार इनको बोला जाता है, अगर आप लोगों से कोई इस तरीके से पूछे कि क्या निकनेम है यहां पर, आप लोगों ने भी देखा ना घर पे कई लोगों के निकनेम रहते हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली लकी बात यह है कि मेरा कभी निकनेम नहीं रहा है, एक ही नाम से जाना जाता हूँ। हाँ अब आकर कुछ चीजें हो गई हैं, जैसे कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं मिस्टर इंडिया की सर चेहरा तो दिखा दो लाइव आ जाओ, वो वाली अलग बात है, आप लोगों ने मिस्टर इंडिया और ये सब चीजें रख रखी हैं, पर लेकिन यही है कि निकनेम जो होता है एक प्यार का नाम आप लोग बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हॉकी इंडिया का मैन इन ब्लू और भारत जो भारत आर्मी बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये है हमारी कंट्री में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमारे द्वारा जीते गए, तो ये है हमारा सुनहरा मौका। पहला यहां पर देखने को मिलेगा 1928 में, दूसरा 1932 में और तीसरा था 1936 में। ये तीनों गोल्ड जो यहां पर जीते गए हमारे देश में, ये ध्यानचंद जी के द्वारा यहां पर एक तरीके से सिंगल हैंडेड आप लोग बोल सकते हैं इनका रोल प्ले किया गया, जो यहां पर ये गोल्ड जीते गए। चौथा गोल्ड जो था 1948 में, पांचवा था 1952 में, छठा था 1956 में, सातवां था 1964 में, आठवां था 1980 में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार काफी लार्ज स्केल पर हमारे द्वारा कॉन्टिन्यूसली गोल्ड जीते गए, तो ये था हमारा स्वर्णिम इतिहास जो 8 गोल्ड हमारे द्वारा जीते गए। फिर इसके आगे चलकर 1960 में आप लोगों को देखने को मिला यहां पर आगे एक हमारे पास में क्या आया गोल्ड, यहां पर बीच में हमारे पास में क्या आया फिर एक सिल्वर आया, ठीक है। उसके बाद में 1968 में अगर देखे तो हमारे पास में ब्रॉन्ज था, 1972 में ब्रॉन्ज था, अब 2020 में हमारे पास में ब्रॉन्ज आया। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों से बोलूं तो 1980 के बाद में अब हमारे पास में फिर से कोई मेडल आया, यानी कि 1980 से अगर 2021 की बात देखोगे तो 41 साल बाद हमने फिर से मेडल का नजारा किया है। तो एक तरीके से स्वर्णिम इतिहास हमारा इतना लंबा रहा, अब हम फिर से उस पैटर्न में आ रहे हैं क्या, एक इस तरीके की बातें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं हॉकी जिसको एक तरीके से हॉकी जो है इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर से उस पैटर्न में आ रहे हैं। और सैल्यूट करने वाली बात तो यहां पर है हॉकी इंडिया वुमेन की, वुमेन हॉकी इंडिया की अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे यहां पर मेंस हॉकी की बात करें फिर भी उनके द्वारा टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात बोल सकते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीते जीते रह गए, शानदार प्लेयर हमारी कंट्री में जो वुमेन हॉकी टीम के द्वारा देखने को मिला गेम, तो रियलिटी में यार सैल्यूट करने वाला है ये, ठीक है। तो इसके चलते ओलंपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, तो हॉकी में अभी हमारे द्वारा क्या जीता गया, यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, तो मेंस टूर्नामेंट में जीता गया, वुमेन्स जो है वो हार गई। अभी जो वुमेन जो हार के बाहर हुई हमारी कंट्री में, किसके साथ था वो मैच आप लोगों को पता है, चलिए बताइए किसके साथ था वो मैच। अगर बात करें तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग और याद रख लीजिएगा, जो फ्लैग बियरर है वो है मैरी कॉम और यहां पर मनप्रीत सिंह मतलब थे ध्वजरोहक ओपनिंग सेरेमनी में, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया से जो गोल्ड की उम्मीद लगाई जा रही थी वो भी यहां पर अभी धूलमित हो गई हमारी, वरना लग रहा था कि एक अच्छा खासा गोल्ड आएगा, तो अब की बार लगता है देखिए अब आगे क्या 2 दिन बचे हैं अभी क्या परफॉर्मेंस हो रहती है, तो फिलहाल तो अभी लग नहीं रहा है जो भी है, पर फिलहाल मेडल जो हमारे पास में 5 है, ठीक है। तो अगर बात करें तो जो हमारे पास में परफॉर्मेंस है तो देखते हैं आगे चलकर हम लोग कितना इसको इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अब जो मैं आगे यहां पर डिस्कस करने वाला हूं ये आर्टिकल काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जो बात कर रहा है बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में, ठीक है। तो ये पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये टैक्स होता क्या है।
आखिर ये न्यूज में किस लिए आ गया है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो अभी यहां पर इसके बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है। तो बात की जा रही है कि जब कोई कंट्री एक तरीके से पास करती है रूल टैक्स लेने के लिए किसी प्रोडक्ट पर, जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आइटम बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई डील है, या फिर किसी कंपनी पर एक तरीके से पीछे जाकर टैक्स लगाती है, रेट्रोस्पेक्टिव होता है। यानी कि आज की डेट में मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई कंपनी आई, ठीक है, 2021 में, ठीक है, तो आज की डेट से हमारी कंट्री में जो रूल है उसके हिसाब से उसने आकर यहां पर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे चलकर हम लोग 2031 में ये बोलने लगे कि यार हमने जो 2021 में रूल थे उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, 2031 में हम लोग जाकर कोई रूल बनाए और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे कि अब पहले टैक्स यहां पर मान लीजिए 8% लग रहा था, ठीक है, हम लोग बोले कि 8% लगेगा, 2021 से आप लोगों को टैक्स देना है और 12% टैक्स देना है, यानी कि 10 साल तक का जो भी आप लोगों का प्रॉफिट है उस पर 12% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 4% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं 2031 में जाकर 2021 पर टैक्स लगा देना, तो इसको कहते हैं पीछे जाकर टैक्स लगा लेना, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाना। तो ये इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही तरीका, इस तरीके से आप लोग नहीं बोल सकते, एक तरीके से ये कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में बिजनेस करने आ रहा था उस टाइम पर तो आप लोगों ने बोला कि 8% ही टैक्स लगेगा, अब आप लोग बोल रहे हैं कि टैक्स जो है वो यहां पर इस तरीके से लगेगा। ऐसा क्यों करती है कोई कंट्री, क्या उसको मजा आता है ऐसा करने में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको मजा नहीं आता है। बेसिकली कई बार क्या रहता है कि जैसे हम लोग कोई लॉ लेकर आते हैं ना कंट्री के अंदर में, मान लीजिए हम लोगों ने टैक्स को स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे जीएसटी हम लोग लेकर आ गए, अब जीएसटी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अब पता चला हम लोगों को पता नहीं चला फिलहाल अगर बात करें 2017 से लेके आगे चलकर 2025 में कोई जीएसटी के अंदर ऐसा लूप होल निकल कर आ जाए जिसका फायदा उठा रहे हैं कंट्री में जो बिजनेस में और अपना जीएसटी का टैक्स बचा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये लगेगा यार हमने तो बहुत सारे पैसे खो दिए, उतने लंबे समय से जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे थे और जीएसटी में तो लूप होल मिल गए। तो अगर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलती है नोइंगली या फिर अननोइंगली कोई ऐसी टैक्स में कोई ऐसी दिक्कत निकल कर आती है तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर ऐसी पॉलिसी लाई जाती है ताकि जो लूप होल रह गया कोई टैक्स में उस लूप होल से जो कोई एडवांटेज उठा रही है कोई कंपनी उसको रोका जा सके। तो वो लूप होल रह गया था उस टाइम पर तो गलती आपकी है, तो खामियाजा आप लोगों को भुगतना चाहिए, कंपनी को इसका खामियाजा भुगते। तो ये माना जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है वो एक तरीके से नेगेटिव टैक्स की तरीके से देखा जाता है, ना कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो किसी भी कंट्री में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फंडा है ये उसको भी हर्ट करता है, तो इसलिए कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है वो कंपनी को हर्ट करता है एक तरीके से, आप लोगों को मैंने अभी बताया, तो इसके चलते कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलने लगती है। तो हमारे कंट्री में आखिर ये न्यूज में क्यों है इसके बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में, इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो एक एक कर चीज को यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज में किस लिए, अगर आप लोगों से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं व्हाई इन न्यूज, तो न्यूज में इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में अभी जो टैक्स लॉ लाया गया अमेंडमेंट बिल 2021 उसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में जो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये क्या एम है इसका बिल का, ये क्या चेंज करने वाला है? तो ये अमेंडमेंट करेगा एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये इनकम टैक्स यानी कि जो इनकम जो टैक्स होता है वो कैसा टैक्स होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि आप लोग डायरेक्ट पे करते हैं टैक्स, तो इनकम टैक्स हो गया। जैसे इन पर्टिकुलर पर्सन इनकम टैक्स पे करता है, इसी तरीके से याद रखिएगा जो कंपनी है कोई कंपनी काम कर रही है तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करती है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा वो भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, जैसे जीएसटी आप लोग बोलते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। अगर बात करें तो एक तो इनकम टैक्स को यहां पर चेंज किया जाएगा इसके अंदर अमेंडमेंट, और दूसरा जो फाइनेंस एक्ट है 2012 का उसके अंदर चेंज किया जाएगा क्योंकि यही एक्ट है जिसके तहत हम लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स इंप्लीमेंट किया था। उस टाइम पर कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन था हमारे देश में, प्रेजेंट टाइम पर बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहां पर जो बीजेपी है पूरा फोकस कर रही है कि किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाया जाए। तो कांग्रेस को लगा कि यार उस टाइम पर गलती होगी, उस टैक्स की वजह से कई सारी कंपनी फायदा उठा रही है, तो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली इस टैक्स को इंप्लीमेंट कर दिया 2012 से। तो 2012 से जब यहां पर ये पिक्चर में आया तो उसके चलते दिक्कतें यहां पर देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो 2012 में ये यहां पर चीजें जो निकल के आई उसके चलते यहां पर जो कंडीशन खराब हुई उसके चलते कई सारे केस हमारी कंट्री के खिलाफ खुल गए। तो बोला यह गया था कि इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, अभी जो ये बिल लाया गया इसमें यह बोला गया कि एक तरीके से अगर कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है इंडियन एसेट्स का बिफोर 28 मई 2012, ठीक है, तो उसको एक तरीके से नलीफाइड किया जाएगा, कोई भी यहां पर इसके चलते ऐसा नहीं होगा कि यहां पर इस पे वो इस तरीके से टैक्स लगा पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब 2012 में प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी इस पर्टिकुलर बिल को, ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल 2012 में आया था, तो जो भी केस चल रहे हैं उनको सबको साइड में किया जाएगा, किसी से अगर कोई टैक्स लिया गया है तो उसको रिफंड किया जाएगा बिना किसी और चीजों के, और खासकर यहां पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं, यहां पर कि आप लोग बोलो कि यार इंटरेस्ट भी दो हमको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जिसका पैसा लिया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली वो पैसा भी उसको रिटर्न किया जाएगा अगर किसी का इस तरीके से पैसा लिया
दिया गया है। अब आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया कि हमारी कंट्री में? ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये फ्री में मेहरबान हो रहा है, क्योंकि इनकी खुद की जो है गली की हड्डी बन गया है ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो अभी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इससे पता चल जाएगा आप लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली हमारी कंट्री में हुआ क्या है, अभी रीजन ये बन गया कि कई सारे केस गवर्नमेंट के खिलाफ खुल गए और गवर्नमेंट उन केस में हार गई, तो वो जो केस हार गई है तो गवर्नमेंट को काफी ह्यूज मनी पे करनी पड़ रही है रिटर्न। तो इसके चलते गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, अगर वो कंपनी जो ऑल बात की जा रही है टू ड्रॉप ऑल पेंडिंग केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी पेंडिंग केस पड़े हुए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट उनको वो विड्रॉ कर ले, ठीक है। इसी के साथ में प्रोमिस करे कि कोई भी ऐसी जो डैमेज या फिर कॉस्ट डिमांड वो नहीं करेंगे कि हमारी कंपनी की इमेज खराब हो गई और वो हो गया, ऐसा कोई भी वो यहां पर बेसिकली ऐसे डिमांड नहीं करेंगे। तो ये जो टैक्स वाला फंड है, इस टैक्स वाले फंड को ये हटा लेंगे और यहां पर एक तरीके से वो नहीं कहते कि अपने आप में मिलकर चीजों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या क्या देखने को मिली, दिक्कतें क्या यहां पर निकल कर आ गई थी। 2012 में जब ये टैक्स लेकर आए तो वोडाफोन के ऊपर टैक्स लगाया गया यहां पर, तो वोडाफोन के ऊपर बोला गया कि 11,000 करोड़ रुपए जो है आईटी डिपार्टमेंट जो है जो उसके द्वारा यहां पर डिमांड किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला वोडाफोन को कि 11,000 करोड़ रुपए तुमको पे करने जो टैक्स ड्यू है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये भाई साहब कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में जो है गवर्नमेंट हार गई, ठीक है। तो कोर्ट में गवर्नमेंट हार गई तो उसके चलते उल्टा पड़ गया। इसी के साथ में एक केस था यहां पर, ये था बेसिकली ऐसा ही केस जिसको कैरिन इंडिया बोलते हैं कंपनी, ठीक है। तो इससे भी यहां पर इनिशियल जो डिमांड की गई यहां पर 10,570 करोड़ रुपए की गई, तो ये दोनों केस जो है वो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हार गई। तो अब यहां पर अब उल्टा पे करना पड़ गया, तो इसके चलते दिक्कतें सामने निकल कर आई। अब ये लग रहा है कि अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो इससे क्या हो रहा है, एक तो इमेज खराब हो रही है हमारी कंट्री की कि हमारी कंट्री के ऊपर केस चल रहे हैं, हम लोग हारे हैं, इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है। तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, तो इन्हीं चीजों का सोल्यूशन निकालने के लिए यहां पर ये जो बिल लाया गया है, ये बिल आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए एक वर्ड और यूज किया गया बार बार यहां पर, ये कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अपना, जैसे कि टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट मेड, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंट्री, मान लीजिए कोई कंपनी है ए, उस कंपनी ने क्या किया, अपना कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बेचा और उस पर जो प्रॉफिट निकल कर आया तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट मेड ऑन द सेल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स, यानी कंपनी अपना कोई एसेट्स बेचती है, मान लीजिए आप लोग देखें यहां पर कोई कंपनी बना रहे और उसमें से आप लोगों को लगे यार इसका ये कुछ एसेट्स आप लोगों को बेचना है कंपनी का, ये पर्टिकुलर कंपनी से इससे आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, फिर कोई इंडिविजुअल, तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। पर लेकिन करती क्या है कंपनी नॉर्मली, वो इसमें घपला करती है। घपला कैसे करती है, मान लीजिए कंपनी ए जो है वो इंडिया के अंदर है, उसी की बी पार्ट, एक कंपनी का बी पार्ट जो है वो है वहां पर सिंगापुर के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर टैक्स ज्यादा लगेगा, सिंगापुर के अंदर टैक्स कम लगेगा, तो ये क्या करते हैं प्रोडक्ट बेच दिया पर बोलते हैं कि ये जो पार्ट था ये हमारी बी कंपनी का पार्ट था, ताकि टैक्स से इसको बचाया जा सके, यानी कि दूसरी कंट्री को बता देते हैं कि हाँ उस कंट्री का पार्ट था। तो इस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स की चोरी करने की कोशिश करती है कंपनी कई बार, तो उसी के चलते यहां पर ये कई सारे केस देखने को मिले थे वोडाफोन वाले, तो यहां पर इसी के चलते उसका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। तो कैपिटल पर गेन जो आ रहा है, यानी कि कैपिटल पर जो प्रॉफिट आप लोग ले रहे हैं उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, समझ में आ गया ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इससे फायदा क्या होने वाला है अभी यहां पर, एक तो ये रहेगा कि जो काफी लंबे समय से जो डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई चल रही है अलग अलग कंट्री की कंपनी के साथ में, एक तो वो कहीं ना कहीं हट जाएगी, जैसे वोडाफोन वाले फंडा ले लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर फ्रेंडली हमारे देश में माहौल बन जाएगा, तो बाहर के से कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो उसको लगेगा यार अच्छी कंट्री है सही है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो जो भी लिटिगेशन आर्बिट्रेशन ये भी यहां पर चीजें चल रही है कैरियन वाली कंपनी के साथ में, तो उसमें भी हमारी कंट्री के एसेट्स को सीज करने की बात की जा रही है, तो वो भी यहां पर चीजें नहीं देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यह कि एक तरीके से चीजें जो है वो नॉर्मल होती ही नजर आएगी और हमारी कंट्री की इमेज भी सुधरती हुई नजर आएगी और हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता हुआ आएगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आएगा, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इंसान का यह होना चाहिए कि आज जो एक्ट है हमारी कंट्री में उन्हीं के हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी। ये थोड़ी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन ने मान लीजिए कोई क्राइम कर दिया, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने किसी के घर में घुसकर चोरी कर ली, अब चोरी करने का जो सजा है मान लीजिए वो है यहां पर एक साल उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है, एक साल उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, ठीक है, कि उसने चोरी की है घर में घुसकर, तो उसके ऊपर एक साल की सजा लगनी चाहिए। पर लेकिन कोई बोलने लगे जब ये चोरी कर चुका है फिर हम लोग एक्ट को चेंज कर दे, बोलने लगे नहीं इसको तो फांसी की सजा दी जाएगी चोरी करने के लिए, तो हमारा संविधान भी इस चीज को अलाउ नहीं करता है। संविधान भी ये बोलता है जो भी रूल और रेगुलेशन है आज प्रेजेंट टाइम पर उसी को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, ये नहीं कि क्राइम होने के बाद में आप लोग बोलो इसके अंदर चेंज करें अब यहां पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम पर जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से चीजें चेंज करें, कहने का मतलब ये आप लोगों को एक्सपेक्टेशन लगानी पड़ेगी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो उसके हिसाब से पहले आप लोग लॉ को बनाकर रखो, किसी की गलती किसी के द्वारा की गई किसी कंट्री में ऐसा कोई केस निकल कर आया
उसकी गलतियों से सीखकर आप लोग इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि आप लोग क्राइम होने के बाद में आप लोग फिर से जाकर बैकग्राउंड में चेंज करोगे। तो कई सारी बातें कई बार यहां पर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो उसको हमेशा क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी यहां पर केस था जो परमानेंट कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर्बिट्रेशन है याद रखिएगा, एस्टेब्लिश किया गया था 1899 में। ये कहां पर हेडक्वार्टर का, ये आप लोगों को नीदरलैंड में हेग में देखने को मिलेगा। पर्पज ये रहता है कि एक तरीके से जो इसका पर्पज रहता है कि इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तरीके से जो सर्व करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उनके बीच में कोई लड़ाई होती है तो उसको सुलझाया जाए। तो तीन पार्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मेंबर कोर्ट और इसी के साथ में जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, ठीक है। तो जो यहां पर काम करती है, फंड जो होता है यहां पर एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो फंड होता है वो हेल्प करती है यहां पर एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज है मीट करने के लिए कॉस्ट इंडिविजुअल जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम बेसिकली किया जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू। देखिए होता क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो है लड़ाई हो जाती है, बोलते हैं कोर्ट में देख लूंगा, ठीक है कोर्ट में देख लूंगा, फिर पता चलता है कोर्ट में देखना महंगा पड़ जाएगा, ऐसा करते हैं बाहरी देख लेते हैं यार, ठीक है, यानी कि आपस में मिलकर बाहरी चीजों को सुलझा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बाहरी मिलकर अपना एक तरीके से बनिए छूट छुटाव करा लिया। तो इसको एक तरीके से ऐसे करने की कोशिश की जाती है, तो इससे टाइम भी बच जाता है, पैसा भी बच जाता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाती है। तो ये चीजें फॉलो करने वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसके बारे में, ये जो टैक्स लेकर आया जा रहा है इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा 2007 में उसके द्वारा जो एसेट्स बेचे गए थे उस पर जाकर इनके द्वारा टैक्स लगाए जा रहे थे। तो इसके चलते यहाँ पर 2.2 कैपिटल गेन टैक्स की बात की गई थी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। तो ये फिर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में केस बता दिया, तो फिर इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया कि हाँ ऐसा करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आ जाते हैं। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली कैरिन वाले के साथ में। तो इसका मतलब उल्टा ही खामियाजा भुगतना पड़ गया हमारी कंट्री को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहां पर 1.4 बिलियन हम लोग को पे करने हैं यहां पर बेसिकली कैरिन इंडिया को। तो उसके चलते अभी देखने को मिला वोडाफोन भी जीत गया और ये भी जीत गया, तो कंट्री की इमेज खराब होगी। तो इसके चलते अभी यहां पर ये टैक्स लगाया जा रहा है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, क्यों लगाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई भी इसको लेकर कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा जरूर, ओके। इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया, बेसिकली जो हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में यहां पर कुछ हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें तो आज की डेट में देखिए जब से कोविड-19 आया, कोविड-19 ने खस्ता हालत कर दिया, एजुकेशन तो ऑनलाइन, हेल्थ की सर्विस कई सारे से प्रैक्टो ऐप वगैरह तो ऑनलाइन, कोई सामान खरीदना बेचना है तो वो सारी चीजें ऑनलाइन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आज की डेट में आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिलेंगी, यानी कि ऑनलाइन मीडियम का जमाना आप लोग को देखने को मिल रहा है। इंपोर्टेंट बात क्या है आज की डेट में, टॉप पर कंट्री अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट नहीं है, तो इंडिया है। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो 50% जो है वो आज की डेट में इंटरनेट के साथ में कनेक्ट नहीं है, अनकनेक्टेड पीपल, ठीक है। दूसरा बोला जाए तो दूसरे नंबर पर है चाइना, नॉर्मल सी बात है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन है, वो चाइना है। तो नॉर्मली तो चाइना पहले नंबर पर होनी चाहिए, पर हमारी कंट्री यहां पर पहले नंबर पर है इंटरनेट के मामले में जो कि बढ़ रही है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, यहां पर 65% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट के साथ में कनेक्ट ही नहीं है। नाइजीरिया की 58% पॉपुलेशन, बांग्लादेश की यहां पर लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से 60% मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि 59% पॉपुलेशन आप लोग को देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया की 36% है, इथियोपिया की बोले तो 81% हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 81%, ब्राजील की 29% और यहां पर इजिप्ट की 46%, यानी कि 50% लोग आज के डेट में हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो कि इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहां पर कई सारी बातें बताई जा रही हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी कंट्री में डिजिटल इंडिया तो प्रोग्राम यार लाया गया था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लाया गया था, यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। मुझे याद आता है जब भी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप लोग हमेशा बताता हूँ, मुझे उस टाइम पर सबसे ज्यादा हंसी वो आ रही थी कि उस टाइम पर जो भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो बोलने आ रहा था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर, हर एक इंसान जो है हाथ में पेज लेकर आ रहा था कि क्या उसको बोलना है, ठीक है। तो वहां पर वो लगा मुझे कम से कम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करो तो टैबलेट तो हाथ में ले लो तो वाली बात मुझे पता नहीं अलग से नोटिस हो गई अपने आप में, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करें तो 9 पिलर हैं जिसके ऊपर, 9 खंभे हैं जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। तो ये सबसे पहला बोले ब्रॉडबैंड हाईवे, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में खासकर आज की डेट में जो पंचायत है उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो जब पंचायत सारी कनेक्ट हो जाएंगी तभी आगे बढ़ेगा। ये प्रोग्राम बड़ी ही खस्ता हालत में चल रहा है इसका, वरना अब तक ये अच्छा होना चाहिए था, पर लेकिन कई सारे आप लोगों एक तरीके से लूपहोल देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से चीजें देखने को मिलती है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम होने वाला है कि पब्लिक हॉटस्पॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी कुछ इसी
अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इसी के साथ में इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, यानी कि हर एक पर्सन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज जाकर वो आरटीआई से पूछेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जाएगा और फिर उसको हक है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्ली हार्वेस्टिंग, तो अर्ली जल्दी जल्दी जितने प्रोग्राम को हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्या क्या फायदा उठा पाते हैं, तो वो देखने को मिलेगा। यूनिवर्सल जो एक्सेस होना चाहिए टू फोन, कम से कम इंटरनेट फोन में तो अवेलेबल लोगों के होना ही चाहिए, तो इसके चलते देखने को मिलेगा, यानी खटके वाले फोन से लोगों को दूर कर रहे हैं। आईटी जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो भी सर्विस है वो वाला फंडा अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस जो डिलीवर की जाती है, ये भी ई क्रांति, ई गवर्नेंस जो यहाँ पर गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है। और यहाँ कोई भी इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें की जा रही है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, ठीक है, यानी कि बाहर से नहीं खरीदना है, अपने ही देश में चीजों को हम लोग को इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए, अगर ये सारे पिलर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट करें तो एक अच्छा ढांचागत विकास आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो ढांचागत विकास जो होगा वो हर एक एरिया में हम लोग को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो एक तरीके से हमारी कंट्री का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग होता हुआ नजर आएगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक तरीके से हम लोग जो चीजें मैनुअली कर रहे हैं वो डिजिटली करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन चीजें हम लोग खरीदते हुए बेचते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो भी काम आज के दिन में हम लोग कर रहे हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कुछ डॉक्टर की सलाह लेनी है तो ऑनलाइन ले रहे हैं, कुछ खरीदना है तो ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाई आप लोगों करनी है तो ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। इवन आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा अर्बन क्लैप करके एक ऐप आता है, और हाँ, जिस भी ऐप का नाम ले रहे हो उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कभी बोलो सर पैसे लेकर प्रमोशन कर रहे हो, मैं सर्विस जो यूज कर रहा हूं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। मैंने अभी एसी की सर्विस कराई तो अर्बन क्लैप ऐप यूज किया तो आसानी से काम निपट गया। ऐसे कई सारी चीजें, इवन कोविड 19 में बाल कटाने के लिए भी अर्बन क्लैप ऐप को आप लोग घर पे बुलाकर आसानी से बिल्कुल सेफ सुरक्षित आप लोग बाल कटा सकते हैं। तो कई सारी ऐसी सर्विस आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ऐसे ऐप जो है वो आसानी से यूज करते हैं आप लोग अगर आज के डेट में, तो सारी ऑनलाइन सर्विस है, वरना आप लोगों को कई बार इस टाइम पर सर्विस नहीं मिल पाती है। तो सप्लाई चेन अच्छी रखनी है, बिजनेस किस तरीके से चलना है, ठीक है, एक तरीके से मोबिलिटी वाले इशू, आज के डेट में कैब ओला वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं, तुरंत आप लोग के घर पर कैब आ जाती है जरा सी देर में ऑनलाइन, ठीक है, ये आप लोग देखते हैं। यानी कोई भी काम अगर आज के डेट में आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन जाकर कोई दिक्कत हो रही है आप लोग तुरंत YouTube पर जाकर सर्च कर लेते हैं, वो अलग बात है कि टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप लोगों के पास भी रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं ना, बोलते ना पुराने टाइम पर बहुत सारे लूप होल थे, पुराने टाइम पर की यूपीएससी तैयारी करना टफ था काफी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्सेज नहीं, तब तो जरा सी देर में रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ये नहीं दिख रहा कि उस टाइम पर आप लोग देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन कितने कम थे, बैठकर किताबें पढ़नी आराम से आप लोगों को, आज के में दुनिया भर के डिस्ट्रक्शन है आप लोगों के सामने। तो दोनों ही चीजें हैं, तो कुछ चीजों के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो आज के में डिस्ट्रक्शन भी इतने ही ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक एक आर्टिकल को कई कई एक तरीके से नहीं, एक एक आर्टिकल को कई कई तरीके से चीजें जो प्रेजेंट की जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा भी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बच्चा बोलता है कि सर एक न्यूज़पेपर काफी है क्या? एक न्यूज़पेपर मन लगा के कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन होता है ना यूपीएससी में 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते उनकी अगर मार्कशीट उठाकर आप लोग देखोगे, तो अगर आप लोग ढंग से तैयारी करें तो एक न्यूज़पेपर किसी भी सब्जेक्ट की, एक स्टैंडर्ड किताब, ये अगर आप लोग लेकर चले तो जिंदगी में शांति रहेगी और रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर तो बल्ले बल्ले चली रही है, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये बातें बोली जा रही है, आर्टिकल क्यों रखा है पहले थोड़ी सी बातें हम लोग जानते हैं। बोला यह जा रहा है कि कोविड-19 के चलते जो साउथ एशिया है, जिसमें इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारी कंट्री जो है, इनमें बेसिकली देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, पर फिर भी कई सारी चीजें अप टू द मार्क नहीं है। अभी नेपाल के अंदर भी ऑलमोस्ट 11%, यानी कि छोटी सी प्यारी सी कंट्री हमारे देश, हमारे पड़ोस में, उसमें भी लगभग 11% के करीब यहां पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है वो इंक्रीज हो गया है कोविड-19 के चलते 2 साल के अंदर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाती चीजें। तो पब्लिक से रिलेटेड भी यहां पर पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि उस टाइम पर सोल्यूशन ये दिख रहा था, डायरेक्ट तो नहीं रहा था। अपनी कंट्री के बारे में देखने को मिले तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हमारी कंट्री में काफी ह्यूज तरीके से ये बढ़ा अभी, किसके चलते? कोविड-19 के चलते। इसके बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है लोगों के पास में, और हेल्थ केयर भी लोगों को अच्छे तरीके से मिल पा रही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, तो एक तो इफिशियंटली काम करता है, इंटरनेट पर अगर कोई भी चीजें आप लोग किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने हैं तो ऑनलाइन जाकर जरा सी देर में आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, तो आसानी से एक्सेसिबल है। अगर आप लोगों के पास में इंटरनेट है और मोबाइल का कनेक्शन है, मोबाइल है, तो आप लोग कहीं पर भी बैठे हैं गांव में, दूर दराज वाले एरिया में, कहीं पर भी एक अच्छे खासे डॉक्टर से आप लोग बात कर सकते हैं। मैंने बोला ना था मुझे फीवर हो रखा था, तो मैंने एक डॉक्टर से बात की तो घर पे लेटा हुआ था, बकायदा बेड पर लेट कर अपना वो बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था, ठीक है। तो डॉक्टर घर पे बैठे बैठे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आसानी से किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इस टाइम पर इमरजेंसी के टाइम पर भी आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। तो इंक्लूसिव देखने को मिलेगा एक तरीके से, अफोर्डेबल रहता है काफी ज्यादा, डायरेक्टली आप लोग जाकर बात करते हो तो 500 या फिर 1000 रुपए ले लेता है, जबकि वहां पर अगर जाकर बैठोगे तो सस्ता आप लोग
को देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको भी इजी सहूलियत हो रही है, आप लोगों को भी सहूलियत हो रही है। टाइमली तुरंत आप लोगों को अगर कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेफ भी रहता है। डायरेक्ट आप लोगों को पब्लिक में ट्रांसपोर्ट नहीं लेना पड़ रहा है, आप लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं फ्यूल बच जाएगा अगर खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो उससे भी आप लोग के पैसे और टाइम दोनों बच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक इंसान को चहुमुखी एक तरीके से फायदा दिखाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बारे में अगर बात करें, इसका एम क्या था, जो हमारी कंट्री में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया, इसका एम क्या था? सबसे पहले तो डिजिटल हेल्थ सिस्टम क्रिएट करना, मैनेज करना हेल्थ का डेटा। हेल्थ का डेटा मैनेज करने से क्या फायदा रहेगा, पता रहेगा कहां पर क्या क्या चीजें चल रही है, कितने लोगों को आज के में सर्जरी की जरूरत है, कितने लोगों को ये दवाई की जरूरत है, सारा डेटा ढंग से अवेलेबल होना चाहिए। इंप्रूव करना क्वालिटी हेल्थ केयर की, डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिसमिनेट करना, प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म एक तरीके से इंटरऑपरेबल, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर एक डॉक्टर काम नहीं कर रहा है उसको दूसरे डॉक्टर से सलाह लेनी है तो आसानी से वहां पर ऑनलाइन सारी चीजें प्रोवाइड कराना। फास्ट ट्रैक एक तरीके से क्रिएशन, अपडेट करना कुछ भी अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये थी इसमें, हम लोगों ने हेल्थ आईडी के बारे में बात की। हेल्थ आईडी क्या थी, मान लीजिए आज की डेट में मुझे फीवर हुआ, ठीक है, तो फीवर होने के बाद में अब मान लीजिए मुझे फीवर होता है चल के 2022 में, ठीक है, 2022 में जो फीवर होगा तो मेरा हेल्थ आईडी के अंदर ये फीवर ऑलरेडी ये अपडेट हो चुका होगा जो आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट रहेगी, तो ये रहेगा अच्छा 2021 में भी फीवर हुआ था, ठीक है, जैसे कोविड-19 के इंजेक्शन लगाए गए, अच्छा उस टाइम पर कोविड-19 के इंजेक्शन लगाए थे, उसके बाद फिर दूसरा लगा था, तो सारी चीजें डॉक्टर के सामने आएगी तो डॉक्टर आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये चीजें हैं, इस तरीके से चीजें लेकर चली जा रही हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह कि अगर डॉक्टर के पास में इंफॉर्मेशन आएगी तो वो अच्छा बेहतर इलाज कर पाएगा, ठीक है, तो वो बातें की जाती हैं। इसी के साथ में पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड रहते हैं, डिजी डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि ऐप ही है, उसमें आप लोगों ने जाकर कनेक्ट किया कि हां डॉक्टर यार ये दिक्कत हो रही है, उसने कंसल्ट किया आप लोगों को, तो फिर से जाकर बात करोगे तो ऑलरेडी डिजिटल डॉक्टर भी आप लोगों के सामने होगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर देखने को मिलेगा, टेली मेडिसिन वहीं से ही बता दी ये दवाइयां ले लो, ठीक है, ई फार्मेसी, ऑनलाइन आप लोग दवाइयां खरीद सकते हैं, आज के में सारे आप लोगों के पास में ऐप देखने को मिल जाते हैं, इवन दवाइयां तक ऑनलाइन खरीद रहे हो, ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इसके अंदर कोई फोर्स नहीं करेगा आप लोगों, कई सारे इश्यूज हैं कि आधार कार्ड तक का डेटा तो आप लोग सुरक्षित रख नहीं पाए, इतनी सारी चोरी हो गई डेटा की। केएस पुत्तास्वामी केस यहीं से तो स्टार्ट हुआ था जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2017 में आर्टिकल 21 के तहत। यहां पर इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि आप लोगों को बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, तो इसलिए प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। यहां पर इंक्लूसिविटी देखने को मिली, ठीक है, एक कई सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, ठीक है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है वो सारी चीजें सामने निकल कर आई आप लोगों के सामने। कहने का मतलब यहां पर ये कि एक तरीके से कई सारे फायदे देखने को मिले पर कई सारे इशू भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना है। तो हमारी कंट्री में ये प्रोग्राम जो था इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। इसी के साथ में अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें, ड्राइवर के यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी कल्चर आप लोग तैयार करनी पड़ेगी, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करती है, ठीक है, ठीक है, कई सारी चीजें कंप्यूटर के साथ में कैसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, प्राइवेसी कैसे रखते हैं, कल्चर कैसी है। बहुत सारे लोग आज के दिन में नहीं पसंद करते हैं सारी चीजें ऑनलाइन डॉक्टर से दिखाना, ठीक है, कि नहीं जब तक हाथ न पकड़े नब्ज न देखे तब तक क्या डॉक्टर, ठीक है, दूर से क्या बताएगा वो देखकर, ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अच्छी बात यहां पर यह कि अगर ऐसे जो ऐप आप लोगों के सामने आते हैं उन पर रेटिंग भी रहती है आप लोगों की, अगर आप लोग जाकर चाहो तो वहां पर रेटिंग आप लोग खुद दे सकते हो, उस डॉक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है, तो उसकी रेटिंग अगर खराब होगी उस डॉक्टर की तो फिर कोई देखने नहीं आएगा, तो ऑनलाइन रेटिंग के चलते भी चीजें काफी सारी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब कि कई सारे तरीके से चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अभी अगर बात करें 50% पॉपुलेशन इंडिया, 59 बांग्लादेश, 65 पाकिस्तान ऐसे जहां पर ऑनलाइन इंटरनेट नहीं है, इवन चाइना भी यहां पर 582 मिलियन के करीब लोग जो हैं जो गांव वाले एरिया में रहते हैं, 39 या 40% के करीब पॉपुलेशन उनके आज के में ये बेसिकली रूरल एरिया में रहते हैं, उनके पास में इंटरनेट नहीं है। 51% साउथ एशियन जो वुमेन है वो एक्सक्लूड है यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे से, यानी कि इनके पास में इंटरनेट नहीं है, पेंडेमिक के चलते सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम नहीं है, इवन बच्चे ना तो उनके पास में घर में ना ही स्कूल में उनके पास में इंटरनेट है, बहुत सारे ऐसे 88% के करीब बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम बहुत सारी है, इंटरनेट के बारे में बात तो कर रहे हैं हम लोग पर, लेकिन इंटरनेट उस स्पीड से पेनिट्रेट कर नहीं रहा है जिस स्पीड से इंटरनेट को पेनिट्रेशन करना चाहिए था 2 साल में, जब से कोविड-19 के चलते खस्ता हालत हो रखी है। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को क्या करना है कि एक तरीके से इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है ताकि कोविड-19 के चलते जो खस्ता हालत हुई है उसको आप लोगों को सुधारना है, और इंटरनेट पेनिट्रेशन एक अच्छा तरीका है, लोगों तक इंटरनेट पहुंचा दो आधी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। अभी बात करके यहां पर सबसे पहली बात यहां पर यह की जा रही है
कि कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा आप लोगों को, एडवोकेट सपोर्ट देनी पड़ेगी जिनके पास में फैसिलिटी नहीं है, और जो डिजिटल आप लोगों का विजन है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और डिजिटल डिवाइड भी आप लोगों को सुधारना पड़ेगा जब भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप लोगों का आएगा। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करें, सबसे पहला फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन माना जाता है जब मैकेनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, पावर से चलने वाली स्टीम इंजन आए, फिर मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो सेकंड ये इसको रिवोल्यूशन बुलाते हैं, कंप्यूटर और ऑटोमेशन आ गया, अभी आजकल में साइबर फिजिकल सिस्टम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे हो आजकल में कंप्लीटली सारी चीजें, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो अपग्रेडेड वर्जन आजकल में। तो कहने का मतलब ये कि इसको ढंग से यूज कर पाएंगे ये आप लोगों ने इंटरनेट की बेस पर ही तो चलेंगे, अगर इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा भैया ये तो बता दो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप लोग बोले कि आप लोगों के घर में मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, पर लेकिन बिजली नहीं है, ठीक है, तो मतलब रह गया इस किसी चीज का, ठीक है, तो बिजली नहीं है ये मत बोलना कि सर इन्वर्टर तो है वो भी बिजली से चार्ज होगा, ये मत बोलना कि सर सोलर पैनल लगा रखे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे एरिया में आप लोग रहते हैं, ना सोलर पैनल है, ना इन्वर्टर है, ना बिजली है, ठीक है, तो उसमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इंटरनेट भी एक ऐसा ही एक साधन बन गया है कि उसके बिना आप लोगों की जिंदगी जो है वो आसान नहीं रहेगी, तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर बात करें, ये बात करें इंडियन स्कूलिंग के बारे में, तो देखिए आज की डेट में जो स्कूल जो ओपन किए जा रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि आप लोगों को ध्यान में रखकर चीजों को चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, कोई भी अगर स्कूल आप लोग खोल रहे हैं तो स्कूल के अंदर आप लोगों को लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, स्कूल के अंदर आप लोगों को हॉस्टल देखने को मिलेंगे, स्कूल के अंदर आप लोगों को लेबोरेटरी यानी कि लैब वगैरह देखने को मिलेगी, स्कूल बस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्ले एरिया स्कूल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को प्रॉपर वे में सैनिटाइज करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को अगर सैनिटाइज कर पाते हैं उसके बाद में सारा स्टाफ आप लोगों को प्रॉपर वे में वैक्सीनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पता चला किसी पर्टिकुलर जो लाइब्रेरियन है, कोई पर्टिकुलर टीचर है, उसी को कोविड 19 लगा हुआ है तो कैसे काम चलेगा। तो कहने का मतलब यह कि देखिए प्रॉपर वे में चीजों को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा अगर रियलिटी में आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आनंद फानंद में कुछ नहीं करना है, क्योंकि बच्चे जो है अगर वही यहां पर बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। अगर लोगों को लगने लगा गया एक बार कि स्कूल में जाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और उसके चलते कुछ बच्चे अगर उनकी एक तरीके से बुरी कंडीशन हालत होगी, तो फिर माँ बाप जो है उनके मन में एक शक बैठ जाएगा कि नहीं यार स्कूल में नहीं भेजना है, पता चला बच्चा ही नहीं रहा, ठीक है, तो जान है तो जान है वो वाली बात आ जाएगी। तो पहले प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उसके बाद में आप लोगों को चीजों को स्टार्ट करना है, वही एक तरीके से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, यानी कि बीमार होने के बाद में कोई इलाज करवाता घूम रहा है तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर वे में वो सारी चीजें आप लोगों को सेटल करके चलनी है, अगर वो नहीं हो पा रही है तो फिर इसका मतलब ओपन करने का कोई मतलब नहीं है जब तक ये सारी चीजें आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी के चलते बात की जा रही है, पहले हम लोगों ने बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोला, फिर छोटे बच्चों के लिए, तो अभी यहां पर छोटे बच्चों के लिए भी आगे स्कूल को ओपन करने की बात की जा रही है, तो वो सारी गाइडलाइन क्या फॉलो आप लोग करवा पाएंगे, बच्चों को मास्क सैनिटाइजेशन वगैरह वो सारी चीजें आप लोग लेकर चल पाएंगे। अब यहां पर माँ बाप को क्या आप लोग मना पाएंगे कि हाँ माँ बाप कंफर्टेबल फील करेंगे, हाँ बच्चे स्कूल में आप जा सकते हैं, हालांकि कई सारे जो माँ बाप हैं वो बच्चों से परेशान है, घर पर पूरे दिन हाउल्ला होता रहता है, लेकिन फिर भी एक बच्चे की हेल्थ के बारे में तो सबसे पहले सोचा जाएगा ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन की माने अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें या ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, तो देखिए चीजों को लेकर चलना चाहिए आप लोगों को, पहले सर्विलेंस कर लेना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, पहले एक बार एनालिसिस कर लो कि आप लोग बच्चों को किस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराओगे, यानी कि सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखे हो, कोई दिक्कत तो नहीं देखने को मिलेगी, तो पहले ठोक पीट लेना चाहिए तब जाकर आप लोगों को ये चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, ये बोलने की यहां पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर जो अब न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे, अरे हाँ क्वेश्चन आप लोगों का रह गया यार, ये है बेसिकली माउंट फेयर वेदर कहां पर लोकेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, यूएसए, रसिया, कनाडा या फिर ग्रीनलैंड, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर पहले दिन मैप बेस्ड क्वेश्चन दे दिया करो, अगले दिन आंसर बताया करो, यार इससे ये रहता है ना, कई सारे बच्चे कई बार क्या रहता है कोई दिक्कत में पड़ गए, मान लीजिए लेक्चर उनका नहीं हो पाया तो उनका क्वेश्चन छूट जाता है, तो मैं सोचता हूँ आज का लेक्चर में सारी चीजें आज ही खत्म हो जाए, ठीक है, ये बेसिकली पर्पज रहता है। बाकी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके तो आंसर देता ही हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रीति के द्वारा अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए, ये मैंने पूछा था यहाँ पर एजुकेशन किस में आता है तो कौन कौन लिस्ट में आता है, जो यहाँ पर कुक आइलैंड के बारे में पूछा था तो ये म्यांमार के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, तो कई सारे लोग जो है
यहाँ पर उनके द्वारा अपनी अपनी बातें बताई गई हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड 1986 में राजीव गांधी के द्वारा। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इसमें चेंज किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई तीसरी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जो है वो 63 है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर ये तैयार की जाती है। अच्छा, टोटल कितने इंडिकेटर होते हैं इसके अंदर पता आप लोगों को? अगर पता है तो बताइए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट यूपीएससी में, तो अंदर जाकर भी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये इसको समझ लेते हैं एक एक कर। अभी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है कि जो गोगरा पोस्ट है बेसिकली उससे थोड़ा पीछे हटेंगे यहाँ पर दोनों की जो भी यहाँ पर अभी आर्मी है। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं हॉट स्प्रिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो यहाँ से ये पीछे जाते हुए नजर आएंगे, ये हो गया पर्टिकुलर रीजन। गालवान वैली आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये गालवान वैली हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा लेक वगैरह रीजन जो रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप लोग पेंगोंग सो लेक बोलते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखें, तो ये वो पॉइंट है जहां पर इंडिया और जो चाइना की आर्मी आमने सामने थी उसको डिसंगेज किया जा रहा है। तो बार बार नंबर का राउंड अभी निकलकर सामने है, जिसके चलते बाद में अब चीजों को डिसंगेज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी खबर बोल सकते हैं इंडिया और जो बेसिकली जो चाइना के बीच में। तो याद रखेगा पेंगोंग सो लेक या फिर गोगरा पोस्ट जो है, ये अगर क्वेश्चन बन जाए मैप बेस तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया है कि सीबीआई पुलिस इग्नोर करती है अगर कोई जज कंप्लेन करता है। ठीक है, तो उसके चलते जजों की कंप्लेन सुनने के लिए एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए ताकि जजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। आप लोगों को देखने को मिला अभी रिसेंटली एक जज की डेथ भी होगी, तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, तभी चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में हो पाएगी, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है बहुत बड़ी बड़ी। तो इसका मतलब ये कि स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो कि जजों से रिलेटेड यहाँ पर बात करे। तो ये अभी इसके बारे में बात की जा रही है। ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी यहाँ पर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों का नाम है कोई भी ए नाम है, तो आप लोगों के नाम के आगे जो बेसिकली सरनेम लगता है वो फादर का नॉर्मली देखने को मिलता है। बहुत कम एरिया ऐसे हैं जहां पर मदर का सरनेम लगता है। तो आगे ये बात की जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए बोला यह गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि मदर का सरनेम भी ड्यूटर या फिर जो एक तरीके से बॉय जो एक तरीके से बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल वो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, उसको रोका नहीं जाएगा। तो इसके चलते यहां पर ये केस निकल कर आया। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ये कि मदर का भी सरनेम आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये यहां पर बातें बोली गई, आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये सही होना चाहिए, राइट है तो आर लिखेगा और रॉन्ग है तो डब्ल्यू लिखेगा। आप लोग क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कल एक छोटी सी वीडियो बनाई भी थी, खेल रत्न का नाम जो है अब चेंज कर दिया गया है। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न जो कि हाईएस्ट अवार्ड था हमारी कंट्री में, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए दिए जाते थे अगर 4 साल की परफॉर्मेंस आप लोगों की देखी जाती थी, उसका नाम चेंज करके अब ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में, ये अवार्ड का जो नाम चेंज किया गया? पर्सनली देखिए किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप लोग देखें तो ये अच्छी बात है। इस तरीके से अगर हम लोग चीजें लेकर चल रहे हैं तो अप्रिशिएट करने लायक एक मूव बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा तरीका है यहाँ पर इस तरीके से, और भी गेम में अगर इस तरीके से हम लोग नाम चेंज करें, खासकर प्लेयर के नाम पर नाम रखें इस तरीके से, तो एक अच्छा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। और ध्यानचंद जी जो थे ये हॉकी के जादूगर आप लोगों को देखने को मिले, मैंने आप लोगों को बताया भी था। आप लोगों को ये बताना है कि 3 बार जो इन्हीं के द्वारा गोल्ड दिलाया गया वो 3 बार कौन सा था? तो इसके चलते अभी यहाँ पर इसको पर्टिकुलर को इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में। तो ये एक काफी एक अप्रिशिएट मूव बोला जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे देश में चल रहा था कि यहाँ पर इसके अंदर कोई चेंज लाना चाहिए, तो जनता से सजेशन मांगेंगे। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा 29th जो कि बर्थडे है यहाँ पर जो ध्यानचंद जी का, उनको हम लोग किस तरीके सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। अभी जो प्राइस का नाम चेंज किया गया तो वो भी आप लोग याद रखेगा। कई सारे लोग जो हैं इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें की जा रही है, क्योंकि ध्यानचंद जी जो थे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, कई सारी ऐसी बातें हैं यहाँ पर। अभी इसके ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, यहाँ पर ये चल रही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया गुजरात में, अरुण जेटली जो स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया वो पॉलिटिशियन है, तो यहाँ पर राजीव गांधी पॉलिटिशियन का नाम अगर हटाया गया तो इन स्टेडियम के नाम भी किसी भूतपूर्व प्लेयर के नाम पर रख देने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ना कि पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर। क्योंकि आज आप लोग ये इनका नाम कर रहे हैं, कल को चलकर पता चला फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, वो फिर इनके नाम चेंज करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का नाम न लेकर यहां पर किसी महान पर्सनैलिटी, किसी महान साइंटिस्ट, किसी महान टीचर, किसी महान डॉक्टर, किसी महान प्लेयर जिन्होंने सोसाइटी के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उनके नाम पर इनके नाम होने चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है।
एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, यहाँ पर ये थी यहाँ पे इंद्रमीत कौर कोचर, तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसके द्वारा कुछ ऐसे सजेशन यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो कमेटी का भी नाम आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो अमेजन जो यहाँ पर बेसिकली अमेजन की जो प्ली थी सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर रिलायंस मर्जर के बारे में, तो अभी रोक दी गई है, तो उसके चलते ये भी अभी न्यूज में है, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे पता है कि आगे चलकर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एडिटोरियल में इस तरीके की चीजें जरूर कवर की जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अभी जो ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर एक गाज गिर गई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 37 करोड़ रुपए जो यहाँ पर पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, तो ये निकल गया है यहाँ से इलीगल तरीके से, यहाँ पर ये गायब कर दिया गया है। तो फ्रॉड रजिस्टर किया गया मुंबई के ऑफिस में, तो देखते हैं छूने पर पता चलेगा क्या क्या चीजें क्या क्या सामने निकल कर आ रही है। इसी के साथ में ओपोजिशन लीडर जो है वो फार्मर के प्रोटेस्ट में अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो वो आप लोग देखेगा। बाकी अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर अभी नॉर्मली बोलते हैं कि बहुत कम एरिया ऐसा है जहां पर बारिश होती है, पर राजस्थान पानी से डूबा पड़ा है आज की डेट में, ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि किसानों के लिए काफी खतरनाक चीज है। तो एक तरीके से कॉम्पनसेशन की बात की जा रही है किसानों के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर सारा किस तरीके से डूबा पड़ा है, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टरेट के द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि आने वाले टाइम में ये चेक करेंगे कुंभ के मेले के अंदर जो टेस्टिंग की गई कोविड-19 की, कई सारी फेक ट्रायल कंडक्ट की गई, ठीक है। तो कंडक्ट की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से जो फेक कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही है उसको भी, क्योंकि कई सारे लोग जो किसी काम को कराने के लिए फेक भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। इवन आप लोगों को बताऊं कई सारे ऐसे केसेज भी सामने निकल कर आए, एक आर्टिकल में दे भी रखा था कि कई सारे एरिया में ऐसी चीज देखने को मिल रही है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो फेक कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनवा लेता है ताकि कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाए, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिल रही है ड्यूटी से बचने के लिए, ऐसे भी कई सारे केसेज निकल कर आए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि एक तरीके से जहां लूप होता है उसका यूज करने से कोई भी पीछे नहीं हटता है। अभी हमारी कंट्री में मानसून सेशन चल रहा है लोकसभा का, तो उसके चलते यहां पर जो एडजर्न होते हुए भी दो बिल यहां पर पास करा लिए गए, टैक्स लो अमेंडमेंट बिल 2021 और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, तो ये विदाउट डिबेट और डिस्कशन के पास हो जा रहे हैं। तो देखिए इससे ना एक कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमारी पार्लियामेंट क्या जिस लिए बनाई गई थी उसके हिसाब से पार्लियामेंट काम कर रही है। अगर बिल पास करने हैं बिना डिबेट डिस्कशन के, ऐसे बिल पास हो ही रहे हैं, अपोजिशन भी यहां पर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अपनी जो बातें हैं उससे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मतलब क्या रह गया पार्लियामेंट का, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता इस तरीके से अगर देखा है तो, ये गलत तरीका है। आगे बात करें, ईरान बोल रहा है इंडिया के साथ में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो ईरान पहुंच गए यहां पर, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रायसी, तो उनसे यहां पर मिला जा रहा है। तालिबान यहां पर और चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल कैपिटल जो है तालिबान के कंट्रोल में आ रही है, तो तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, तो देखते हैं चीजें कैसे होती है। 2 मिलिटेंट हमारी कंट्री में राजौरी एरिया में एनकाउंटर में मारे गए, तो हमारी फोर्स को सैल्यूट है जो इतने एक दुरुस्त वे में काम करती है हमारी सिक्योरिटी के लिए। 150वीं यहाँ पर जो एनिवर्सरी है, खासकर किसके यहाँ पर, ये है अभिनंदनाथ टैगोर, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के ये नेफ्यू थे, इनके वो इनके चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और ये एक पेंटर थे, ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो इनकी जो यूनिक इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रही है स्वदेशी थीम, तो ये सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन अगर बन जाए तो याद रखिए किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया है, तो 4% जो है आरबीआई का जो रेट है यहाँ पर उसको कोई चेंज नहीं लाया गया, ठीक है, रेपो रेट वो ऐसा का ऐसे ही है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था इसका आंसर क्या है अगर आप लोगों से बोला जाए, तो आंसर आप लोग चलिए इसका चलिए कल बता देता हूँ कल बताऊं या आज ही बता दूं, चलिए देख लीजिए आंसर। आंसर है इसका सी, कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी बोल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, इसी तरीके से ध्यान रखिए, और रिवीजन की वीडियो इस वीकेंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी, पीडीएफ सारी जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।